खोलने आए थे, ये सामाजिक कार्य हम पार्टी की ओर से कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे पुलिस ने सरकार का सुनके हमें दबाया है, लेकिन हम दमेंगे नहीं। पुनर हम 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद जब तक ये हाज हाउस खुलता नहीं तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। दिसंबर में आंदोलन कर हाज हाउस की निर्माण के लिए मंजूरी दिलाई थी, उसी तरह आज हमने राज्य सरकार को निवेदन दिया, आंदोलन किया, लेकिन निष्कर्ष राज्य सरकार की तत्परता के वजह से, उनकी नाकामी की वजह से हाज हाउस नहीं खोला जा रहा है। मुसलमानों हाजियों को हज यात्रा के लिए अल्पसंख्यक महाराष्ट्र विकास की तरफ से बनाया गया, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से यह सरकार यह खोला नहीं जा रहा है। आज आपके आंखों में से आंसू जा रहे हैं क्या? आंखों में से आंसू जा रहे हैं। देखिए, हमने हमारा प्रयास हाजियों के लिए है, हमारा प्रयास विकास कार्यों के लिए है, अल्पसंख्यक मुस्लिम विकास कार्यों के लिए जो योजनाएं चलती है सरकार उसको अनदेखी की वजह से जो है तो हमारे तक वो योजना ही नहीं पहुंच पाती। एक हज हाउस को बनाने के लिए राज्य सरकार को अगर 10 साल लगते हैं तो ये राज्य सरकार की नाकामी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाज हाउस खोलने आए थे, ये सामाजिक कार्य हम पार्टी की ओर से कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे पुलिस ने सरकार का सुनके हमें दबाया है, लेकिन हम दमेंगे नहीं। पुनर हम 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद जब तक ये हाज हाउस खुलता नहीं तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसी तरह से भविष्य में भी करते रहेंगे यदि अगर हाज हाउस को नहीं खोला गया। सामने बॉक्स लगा हुआ है। चलो इसमें, अरे ये उतरते हुए चले गाड़ी में से। हाँ ये लो, ये अंदर बोलो 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 ए क्या कर रहा है क्यों यार आगे बजा दे रहा है ए सुनिए अभी नहीं आगे
सम्मान में